जो सीएम अनाउंसमेंट थी 25 करोड़ रुपए की सड़कों का मामला था, उसकी मरम्मत के लिए हर विधायक को दिए गए थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई महीने हो गए, अब तक फील्ड में कोई काम नहीं हुआ। सारे प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उससे ये लगता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इन सड़कों के सुधार में। सारे हरियाणा की सड़कों का बुरा हाल है। किसी हल्के में देख लो, हर हल्के का यही हाल है। ये एक फैसला सरकार ने लिया, 6000 किलोमीटर सड़कें जो है हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से लेकर वो जिला परिषद में ट्रांसफ़र कर दी। पहले ही सड़कों की बुरी हालत है, और जो मार्केटिंग बोर्ड में ट्रांसफ़र की है 6000 किलोमीटर, उनके लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनके पास नो हाउ क्या है? जिला परिषद के पास तो कुछ भी नहीं इनको मरम्मत करने के लिए, ना उनके पास इंजीनियर है, ना उनके पास ब्रांच है, इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं जिला परिषद के पास, तो कैसे वो इनको मरम्मत करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम सभी साथियों ने जैसे ही हमें कहा गया हमने उसी समय ही अपनी सड़कों के निर्माण कार्य की प्रायोरिटी वाइज लिस्ट जो है सरकार को देने का काम किया। जो साथी हमारे कांग्रेस से चुनकर आए हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ ये सरकार पूरी तरह से भेदभाव करने का कार्य करती है, और मुख्यमंत्री जी चाहे जनसंवाद के माध्यम से अपनी कितनी भी पीठ थपथपाते रहें, लेकिन पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, फिर एक पोर्टल, लेकिन समाधान कुछ नहीं। विधानसभा का जो पिछला सत्र था उसमें भी आप सब ने देखा कि सबसे ज़्यादा चर्चा किसी एक मुद्दे पे यदि हुई है तो वो सड़कों पर हुई, कि सड़कों के हालात बहुत खराब। प्रदेश का हर वासी इन टूटी हुई सड़कों से रोज निकलता है उस पर, और जैसे अभी बताया गया कितने ही लोगों को चोटें आती हैं, कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। ध्यान था विधायकों को बदनाम करने का। जो बात आई कि जी 25-25 करोड़ रुपए की सड़कें रिपेयर होएंगी विधायकों के आग्रह से, आप भली भांति जानते हैं हरियाणा के अंदर तो विधायकों का कोई फंड है ही नहीं, और ये बात भी विधानसभा में उठाई भी गई थी कि जैसे एमपी लैड है उसी तर्ज पे एमएलए लैड होना चाहिए, और हरियाणा केवल एकमात्र ऐसा प्रदेश है सभी 28 राज्यों के अंदर जहां पर एमएलए लैड का कोई प्रावधान नहीं। ये जहां तक 25 करोड़ की बात थी, ये कोई विधायकों के किसी खाते के अंदर नहीं आना था, सिर्फ विधायकों ने तो रिकमेंड करना था कि 25 करोड़ तक की सड़कें रिपेयर हो सकती हैं। जबकि आप भली भांति जानते हैं कि सड़कें वो प्रदेश की हैं, किसी विधायक की नहीं है, प्रदेशवासियों की हैं। विधायकों ने क्या करना है? विधायकों को तो ये चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कें सही होनी चाहिए, मोटरेबल होनी चाहिए। वो 25 करोड़ में हो जी, वो 5 करोड़ में हो, वो 50 करोड़ में हो, सभी सड़कें ठीक चाहिए। ये लड़वाने की बात है। मान लीजिए सड़कें तो 40 करोड़ की टूटी पड़ी, मान लीजिए उनको ठीक करने में 40 करोड़ लगने हैं, और हमारे से लिस्ट मांग ली गई 25 करोड़ की, वो 15 करोड़ की जो रिपेयर रह गई वो कौन कराएगा जी? और क्या पहले सारी सड़कें रिपेयर नहीं होती थी? विधायकों का क्या है इसके अंदर? सिर्फ विधायकों को बदनाम करने का यह प्रयास हुआ। आज तक हमारे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार का रिपेयर का काम शुरू भी नहीं हुआ। जो जो सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर हैं
उन पर भी जो ठेकेदार, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को टपाया जाता है और जनता का जो पैसा उसे बेकार किया जा रहा है।